हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है लक्ष्य। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप लोगों ने पोल में मेरे को बहुत अच्छे सजेशंस दिए थे। मैंने यहाँ पे एक पोल डाला था, आप लोग देख सकते हो कि मैं अपना स्टूडियो बनाऊं या फिर ना बनाऊं। देखो अभी बहुत जल्दी है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं बनाऊंगा, इंप्रूवमेंट्स लाऊंगा चैनल में, बैकग्राउंड में, ऑडियो में, वीडियो में, तो हो सकता है ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करें, ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, चैनल ग्रो करें। तो 67% लोगों ने बोला है हाँ आप ऐसा कर सकते हो। तो 10K पे हम लोग अपना जो है प्रॉपर स्टूडियो बना देंगे, क्योंकि अभी 2-3K कुछ ज्यादा जल्दी हो जाएगा, बनने में भी टाइम लगेगा अराउंड 2 महीने। तो अभी से थोड़े दिनों में मैं स्टार्ट कर दूंगा, और उसके बाद 2 महीने में अराउंड कुछ स्टूडियो बन जाएगा, प्रॉपर स्टूडियो बनाऊंगा। और ये यूट्यूब मनी वगैरह से तो हो ही नहीं सकता, अपनी दूसरी मनी से होगा। बाकी आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो, और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं टाइम स्टैम्प भी डाल दूंगा, जिसको जिस पे स्किप करना है आराम से स्किप कर सकता है। और अच्छी न्यूज, फाइनली बहुत अच्छी न्यूज, पूरी वीडियो एंड तक देखना। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली बहुत सारे लीक चल रहे थे, रूमर्स चल रहे थे, इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, आईफोन 12 की प्राइस गिरेगा नहीं गिरेगा, सेल आएगी, फिर 11 का प्राइस ड्रॉप होगा। तो बहुत सारी बातें आज आप लोगों से करने वाली, क्योंकि फाइनली एप्पल ने कॉन्फर्मेशन दे दी है मेड इन इंडिया आईफोन 12 के लिए। एप्पल ने अपनी एक स्टेटमेंट में बोला, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। तो एप्पल ने क्या बोला, एप्पल ने बोला वी आर प्राउड टू बी स्टार्टिंग प्रोडक्शन ऑफ आईफोन 12 इन इंडिया फॉर आर लोकल कस्टमर्स। तो फॉर आर लोकल कस्टमर्स मतलब कि हम लोग, साथ में एप्पल ने एड ऑन एक और चीज करी, आप वो भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। Apple is dedicated to making the best product and services in the world to delight our customers, the company added. तो यहाँ पे क्या है, अब थोड़ा सा चाइना का शेयर जो है वो इंडिया में आएगा, और धीरे धीरे मेरे को पूरी उम्मीद है चाइना का सारा शेयर वहां से शिफ्ट होकर इंडिया में आएगा और सारी प्रोडक्शन यहाँ पे होगी। तो iPhone 12 जो बनने वाला है, अब उसकी जो फायदे हैं हमको यहाँ पे भी होने वाले हैं, प्लस बाहर की कंट्रीज में भी अब यही मेड इन इंडिया iPhone 12 जो है शिप होगा। तो हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है, प्राउड मूवमेंट है। 11 में भी हुआ था आई नो, लेकिन iPhone 12 फ्लैगशिप फोन है, 5G है, तो इतना सारा कुछ इंडिया में असेंबल करके मैन्युफैक्चर करना बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, स्पेशली जो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, इतने लोग अभी कोई लोग कुछ काम नहीं है, जॉब्स वगैरह, बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली, क्योंकि एप्पल छोटी मोटी कंपनी नहीं है, सर्विसेज बहुत ज्यादा बड़ी रहती है एप्पल की। तो बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि यार डिफरेंस क्या है, पहले भी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी, अब भी हुई है, तो क्या ही डिफरेंस आएगा। पहले भी आईफोन 11 का जो प्राइस ड्रॉप हुआ था वो आईफोन 12 के बाद हुआ। तो देखो यार, मैं आपको पूरा डिफरेंस समझा देता हूं, अब ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होने वाला। रीजन क्या है इसका, मेन रीजन देखो, क्योंकि जब आईफोन 11 की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी तो वो बहुत नया स्टेज था, फिर 10R आया, SE आया, तो बहुत नए स्टेज पे हुई थी, कोई भी फ्लैगशिप फोन की नहीं हो रही थी। अभी इंडिया में सेटलमेंट हो रही थी, फॉक्सकॉन आया था, विस्टॉन आया था, अभी सबकी जो है प्रॉपर सेटलमेंट हो रही थी, कैपिटल सब कुछ देखा जा रहा था। तो उसमें क्या हो रहा था, एक टाइम पे सेटअप करने की जरूरत थी। अब पूरा एक साल हो गया, सेटअप हो गया, सब कुछ रेडी है, मशीन वगैरह, प्रोडक्शन, एप्पल को पूरा प्रोसेस पता है इंडिया में सब कुछ कैसे होता है, वर्कर्स, सेटलमेंट। तो अब क्या है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। एप्पल ने उस टाइम पे एक एडवांटेज उठाया, और आईफोन 11 में जो है क्या सोचा कि जब आईफोन 12 लॉन्च होगा तब एक ही साथ में जो है हम इंडिया में प्राइसिंग कम कर देंगे आईफोन 11 की, और एक ही नाम दे देंगे, दो दो बार प्राइसिंग कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस केस में अगर अभी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है 10-15 दिनों में, तो एप्पल को तो है जल्दी जल्दी जो है प्राइस कम करना ही पड़ेगा, या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट या ऑफलाइन में इतने सारे ऑफर्स देने पड़ेंगे कि वो इनडायरेक्टली बोल सकते हो जो है प्राइस ड्रॉप हो जाएगा हम लोगों के लिए। जैसे अभी HDFC के साथ चलता, तो हो सकता है कंपनी 3-4 हजार और हमको जो है कैशबैक दे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज होने वाली है। आईफोन 11 के टाइम पे जो है दिवाली का जो है एक ब्रेक आया था, तो उस टाइम पे एप्पल को एक एडवांटेज मिल गया था कि हम साथ में कर देंगे। आईफोन 12 में अभी क्या है, अभी चल रहा है मार्च, तो नवंबर अक्टूबर तो अभी बहुत टाइम है आईफोन 13 को लॉन्च होने के लिए, या फिर आईफोन 12S को। तो मेरे हिसाब से आपको यहीं पे भी बहुत सारी चीजें अच्छी मिलने वाली, क्योंकि 7-8 महीने, और एप्पल कभी भी ऐसा नहीं करेगा। प्लस आईफोन 11 के टाइम पे एप्पल की खुद की वेबसाइट आई थी इंडिया में, तो बहुत सारी चीजें चल रही थी प्लानिंग में। तो हो सकता है उस टाइम पे एप्पल ने थोड़ा डिले दिखा दिया, और एडवांटेज के तौर पे थोड़ा और अर्न करने के तौर पे एप्पल ने जो है एक ही टाइम पे आईफोन 11 का प्राइस ड्रॉप किया। अभी आईफोन 12 का प्राइस ड्रॉप पूरा एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट मंथ हो सकता है, या फिर हो सकता है नेक्स्ट मंथ ही हमको देखने के लिए मिल जाए आईफोन 12 का मेड इन इंडिया प्राइस ड्रॉप। तब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज की। इसके लिए भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन थी कि फाइनली प्रोडक्शन के बारे में हमको पता तो चल गया, लेकिन प्रोडक्शन स्टार्ट कब होगी, क्योंकि बेसिकली मोटिव तो आप लोगों का एक ही है, वो है प्राइस ड्रॉप। तो देखो यार, यहाँ पे छोटी मोटे लेवल पे प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होती, बहुत बड़ा काम रहता है, क्योंकि पार्ट्स आते हैं, सब कुछ आता है, 5G वगैरह सब कुछ देखना होता है, उस हिसाब से सारी मशीन्स वगैरह, तो बहुत बड़े लेवल पे होती है, एक्सपोर्ट भी होगा, तो मिलियंस ऑफ आईफोन्स यहाँ पे बनने वाले हैं आईफोन 12 मॉडल। तो बहुत अच्छी बात है, मेरे हिसाब से बाय नेक्स्ट मंथ, मतलब अभी मार्च शुरू हुआ है, इतने में अप्रैल में आपकी जो है यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी आईफोन 12 मेड इन इंडिया।
देखते हैं फिर अप्रैल के टाइम पे या फिर जब अमेजोन वगैरह की प्राइम डे सेल आते हैं तब हमको अच्छा डिस्काउंट मिलता है, या फिर हो सकता है पहले ही देखने के लिए मिले। वैसे तो देखो क्या होगा कि आपको जो है एप्पल की वेबसाइट पे भी देखने के लिए मिलेगा, इमेजिन वगैरह स्टोर पे भी देखने के लिए मिलेगा, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे देखने के लिए भी मिलेगा, तो अच्छी चीज होने वाली है। देखते हैं अभी आगे पूरा क्या निकल के आता है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि अप्रैल से जो है प्रोडक्शन स्टार्ट इंडिया में डेफिनेटली हमारे आईफोन 12 की हो जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से फोन की प्रोडक्शन होने वाली है। तो देखो आईफोन 11 का तो बहुत ही बेसिक सा था सीन, नया नया आया था, और मतलब नया नया मतलब कि इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रही थी प्रोडक्शन उस टाइम पे, मतलब आईफोन 10 और फिर बाद में आईफोन SE सेकंड जनरेशन आया। इस टाइम पे क्या है, प्रॉपरली सेटलमेंट हो चुकी है, एप्पल को पता है कि इंडिया में काम कैसे हो रहा है, और मार्केट शेयर की बात करें तो 2% से 4% मार्केट शेयर भी बढ़ गया, तो एप्पल ने पूरा प्लान कर लिया अपने मार्केट शेयर को और इंडिया में बढ़ाने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो है आईफोन 12 सीरीज पूरा 5G है, तो इजी हो जाएगा एप्पल के लिए। लीक्स के हिसाब से पहले था 12 और 12 प्रो दोनों मॉडल्स, लेकिन अब शायद से चारों मॉडल्स आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स, ये चारों फोन्स जो है हमारे मेड इन इंडिया होने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है प्राइसिंग वगैरह। वैसे मेरे हिसाब से तो एप्पल सारे के सारे फोन एक साथ नहीं करेगा, पहले शायद आईफोन 12 करेगा जो मेन वेरिएंट है, उसके बाद शायद आईफोन 12 प्रो करेगा, क्योंकि मिनी की तो वैसे भी डिमांड नहीं है और इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है एज पर रिपोर्ट्स। 12 प्रो मैक्स को तो बाद में आएगा ही, मतलब तो 12 और 12 प्रो तो कन्फर्म है ही, बाकी फोन हम देखते हैं दोनों का अगर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और किसी को परचेज करना होगा तो डेफिनेटली हमको एक अच्छे प्राइस ड्रॉप पे जो है ये दोनों फोन्स मिलने वाले हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं फाइनल चीज, बहुत लोगों को इंतजार था और मेरे को पता है कुछ लोग तो सीधा टाइम स्टैम्प जम करके लास्ट वाले पे बिल्कुल पहुंच गए होंगे, तो देखो प्राइस ड्रॉप की हम लोग बात कर लेते हैं कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जब आईफोन 11 हुआ था तो देखो आईफोन 11 के टाइम पे दो चीजें थी एप्पल ने एडवांटेज उठाया, किस चीज का, आईफोन 12 लॉन्च का, एप्पल की जो इंडिया में वेबसाइट आई ऑनलाइन वेबसाइट, प्लस फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन हुई सब कुछ हुआ, तो इस टाइम पे शायद एप्पल उतना फायदा ना उठा पाए इंडिया में स्पेशली, क्योंकि प्रोडक्शन होगी, कॉस्ट वॉस्ट कट होगी, इंपोर्ट वगैरह सब कुछ चार्जेस हट जाएंगे, अब सीधा पार्ट्स इंपोर्ट होंगे और यहाँ पे प्रोडक्शन होगी तो वो सारी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। अब वो एप्पल पे डिपेंड करता है कि एप्पल ज्यादा टाइम तक प्रॉफिट कमाएगा या फिर अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेगा। अभी वैसे एप्पल ने जो अपनी स्टेटमेंट में बोला, भी आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा कि अपने लोकल कस्टमर्स के लिए बेनिफिट्स हम लोगों को देने हैं, तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, कोई कंपनी कुछ बोलती है तो वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट बन जाती है और फिर एप्पल को वो चीज़ करनी पड़ेगी भी। अब ये देखना है कि वो जल्दी करते हैं या थोड़ा लेट करते हैं, और मेरे हिसाब से प्राइस ड्रॉप अगर होगा तो 8 to 10,000 के बीच में डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि एप्पल ने उस टाइम पर आईफोन 11 का एडवांटेज लिया, डिस्काउंट का तो सीधा 10,000 रुपये कम कर दिया, मतलब 65,000 से 54,000 कर दिया, तो सेम वे यहाँ पे भी 5 से 6,000 का तो पक्का होगा ही होगा, 10,000 का शायद ना हो, हो सकता है वो 5-6,000 जो है आईफोन 13 के लॉन्च के टाइम पे जो है उसको कर दें, क्योंकि अभी 12 और 12 प्रो दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं जो हमारे इंडिया में, और बहुत तगड़ी जो है इसकी प्रोडक्शन होगी इंडिया में स्पेशली दोनों मॉडल्स की, ताकि हम जैसे लोकल कस्टमर्स को भी बहुत ज़्यादा अच्छा एडवांटेज हो, प्लस जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह को भी बहुत ज़्यादा अच्छा एडवांटेज होने वाला है। एप्पल जैसे जब बड़ी कंपनी इंडिया में कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करती है तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपने और मैंने मिलकर इस चैनल को ग्रो करना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय।